देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या कर सकते हैं, एवरी वन आईज ऑन द बोर्ड प्लीज। इस क्वेश्चन में आप क्या क्या कर सकते हैं, ए का पावर कितना है? अब आई डोंट नो किसका दिमाग कैसे चल रहा है। एवरी वन आईज ऑन द बोर्ड, आंसर नहीं आया किसी का, कोई बात नहीं। हाँ जी, या तो मैट्रिक्स बहुत शानदार हो जैसे कि ये, ध्यान दीजिए इधर आप सभी लोग, इसका आइडेंटिटी, पहला पावर, दूसरा पावर, तीसरा पावर, सब पावर्स आराम से निकल सकती है। चलिए, इतना अच्छा नहीं है तो अगर इस तरह का होता तो भी शायद निकल जाता। ये पहली क्लास में कराया आपको, फर्स्ट क्लास ऑफ लीनियर अलजेब्रा। हाँ जी, किसी को याद है? इसी तरीके से ए क्यूब लेंगे तो ए आ जाएगा, ए फोर लेंगे फिर आइडेंटिटी आएगा। तो ये बढ़िया वाले मैट्रिसेस है, ये थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड ले लेते हैं। साथ देंगे, साथ देंगे, जिन्होंने ग्रुप थ्योरी पढ़ा है डरो मत भाई। क्या क्या इशू है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1201 आएगा, क्यूब करेंगे तो 1301 आएगा। पैटर्न आप समझ ही गए, समझ गए ना? इस तरीके से चलते हुए जरा बता दीजिए, 100 कितना आता, 1001। वो आपको दो तीन स्टेप्स में समझ में आ गया, मुझे पता है बाय माय हार्ट, पता ही है कि आप फर्स्ट पावर, सेकंड पावर, थर्ड पावर निकाल ही रहे होंगे पिछले क्वेश्चन में, कोशिश कर रहे होंगे किसी तरह पैटर्न बन जाए, लेकिन नहीं बन रहा इन क्वेश्चंस में। तो बन रहा है मतलब यहाँ जो दिए हैं, यहाँ इसमें नहीं बन रहा, लेकिन एम आई राइट? ठीक कह रहे हैं, ए पावर 100 निकाला है तो आप ये सोच रहे होंगे कि भाई स्क्वायर देख लेते हैं, फिर क्यूब देख लेते हैं, देखा ही होगा आपने, फोर्थ पावर देख लेते हैं, बट आप पैटर्न पकड़ नहीं पा रहे, गलत तो नहीं कह रहे? अभी देखो यहाँ, इधर आओ, इधर आओ, आओ तो सही, बात करते हैं भाई। या तो आप ऐसे कर लीजिए, ए का पावर 100 है ना, तो ए का पावर 50 का स्क्वायर, वो पावर भी बहुत बड़ी है, कोई बात नहीं, तो ए का पावर 50, फिर ए का पावर 25 का स्क्वायर का स्क्वायर, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? तो ये भी बहुत बड़ी पावर, इतनी दूर तक जाएगा कौन? तो एक काम करो, देखो ध्यान से, दिया उसने 100 पावर है, उसको पता है कोई भी 100 पावर कैलकुलेट तो करने से रहा। तो जैसे कि अभी एक स्टूडेंट ने थोड़ा सा बताया, भाई हमने खूब हाथ पैर मार लिया, फिर मार लिया, तो ये हमें समझ में आ रहा है कि ए का पावर 100 का मतलब ए का पावर इवन, और इवन ऑड का मतलब अगर आप किसी तरह ये निकाल सके, थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं जब इतना किया तो, ए का पावर 2n, ए स्क्वायर, ए फोर, सिक्स भी, हालांकि 100 पावर 6 पावर से कोई रिलेशन में नहीं है, फिर भी देखो यहाँ वहाँ उल्टे सीधे सॉल्यूशंस की बजाय थोड़ा आइए साथ में, लॉन्ग विथ सेकंड पावर तो आप सबने निकाला होगा, ये सेकंड भी नहीं निकाला, ऐसे तो कोई नहीं होगा भाई। ये सेकंड पावर, अब यहाँ से फोर्थ पावर, इसको इसी के साथ मर, भाई देख लो यहाँ पे कोई बात नहीं, यहाँ देख लीजिए आप सभी लोग, अभी कर लेना अभी इसी तरीके से, सिक्स पावर, मल्टीप्लाई कर लीजिए, ए फोर के लिए ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा ए सिक्स के लिए, अभी करके देखना, फोर्थ पावर और सेकंड पावर को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? तो पैटर्न बनता हुआ आई थिंक आप समझ ही गए, यहाँ से समझ जाओ, ऐसे ही मतलब पक्का कर लिया करो कि सच में ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा है। टेंथ पावर के लिए किसको किसे मल्टीप्लाई करना, अब समझ गए? थोड़ा हाथ पैर चलाइए, देखिए पैटर्न बन रहे हैं, चलाओ हाथ पैर, क्या सॉल्यूशन लेके, कुछ नहीं होगा सॉल्यूशन लेके, ये खुद ही करना पड़ेगा आपको, हर क्वेश्चन को सिखा के जा रहे हैं। 100th पावर है तो या तो पैटर्न बन जाए, नहीं तो चलिए इवन पावर पे ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं कुछ बन रहा है नहीं। प्लीज डू ऑल ऑफ यू, पीछे ना हटो, स्क्वायर निकालो, फोर्थ पावर निकालो, सिक्स पावर निकालो, निकालो निकालो, कोई बात नहीं, करिए, मल्टीप्लाई तो करना है, सेकंड तो आ गया था ना सबका, और फोर्थ कोई तो होगा जिसने फोर्थ पहले से निकाल के रखा है, क्योंकि दो चार पावर्स तो निकाल ही लेते हैं बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल, 1 0 0 0 1 0 5 5 1, सो फ्रॉम हियर अब हमारा रिश्ता हो गया पक्का। हाँ जी, ए टू एन का मतलब, यस एन एन और यहाँ वन, तो दिस इम्प्लाइज ए 100, 1 0 0 0 1 0, हाँ जी 50 आपके, 50 हमारे, बताइए जरा टोटल एंट्रीज का सम कितना है,
103 103 103